अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि ये तकरीबन काफ़ी दिन हो चुके हैं नए साल को शुरू हुए हुए, लेकिन मेरी जानिब से और मेरे अमले की जानिब से, मेरे स्टाफ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये नया साल खुशियाँ लाएगा, आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान लेकर आएगा, आमीन। तो काफ़ी खबरें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नंबर वन खबर जो है वो ताज़ा तरीन यही है कि कोई ग्लोब एंड मेल से एक मेमो लीक हुआ है, और उस मेमो के हिसाब से जो बैकलॉग हुआ हुआ है टेम्प्ररी रेजिडेंस एप्लीकेशन में, या जो और ओवरऑल जो बैकलॉग हुआ हुआ है उसको मिनिस्टर चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऐसे रिजॉल्व किया जाए कि सारा का सारा बैकलॉग एकदम छूमंतर होके गायब हो जाए। और तकरीबन 500,000 के करीब जो टेम्प्ररी वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं वो अप्रूव हो जाए। तो ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये तो मिनिस्टर ही बताएंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में। वैसे भी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है आज तमाम मिनिस्टर्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, हो सकता है उससे कोई नतीजा सामने आए तो मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूंगी। लेकिन बात वही है बैकलॉग की। इवन जो मेरी वीज़ा की, सुपर वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं उनमें 6 से 7 महीने लग रहे हैं। और जाहिर है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और जो उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी जॉब छोड़कर या अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ छोड़कर लंबे अरसे तक वहाँ नहीं रह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिचुएशन जिसको कहा जा रहा है, काफ़ी मैसी सिचुएशन है कि इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। तो तवक्को ये की जा रही है, और जाहिर है ये कोई हतमी बात नहीं है, इमिग्रेशन के हलकों में यही तवक्को की जा रही है कि हो सकता है कि एक तरह से टेम्प्रेरी वीज़ाज जो हैं उनको एक एमनेस्टी दी जाए, यानी कि जो एक सबसे बड़ी जो शर्त होती है वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्री की, के वीज़ा एप्लीकेशन की, कि आप वापस जाएंगे। और जिसकी वजह से काफ़ी एप्लीकेशन जो हैं वो रिफ्यूज़ होती हैं और फिर फेडरल कोर्ट में जाती हैं, उनके साथ फेडरल कोर्ट में भी केस किए जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि हो सकता है कि उनके लिए वो शर्त हटा दी जाए कि आप वापसी का अपना बिल्कुल पक्का बताएं कि आप वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि और दूसरी शराइत जो है वो ना हटाई जाए। जाहिर है जैसे सिक्योरिटी है या क्रिमिनलिटी के इश्यूज हैं, वो अगर किसी के साथ हैं तो जाहिर है उनसे तो वो डील करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कनाडा के लिए जो सलामती की बातें होती हैं वो तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती हैं, पब्लिक सेफ्टी वगैरह वगैरह। लेकिन अभी इमिग्रेशन के हलकों में यही बात एक तरह से गर्दिश कर रही है कि ये जो टेम्प्रेरी रेजिडेंसी का जो एक मैस है उसको क्लियर करने के लिए जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ इकदाम करेंगे। तो ये तो था टेम्प्रेरी रेजिडेंट के बारे में या विजिटर वीज़ा के बारे में। नंबर दो जो बात मैं करूँगी वो है एक्सप्रेस एंट्री या स्किल वर्कर प्रोग्राम या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो ड्रॉ करते हैं, और कई अरसे से जो ड्रॉ रुकी हुई थी, अब समझ लें कि जैसा कि वादा किया गया था कि 2023 में ड्रॉज दोबारा शुरू होंगी, और या कुरानंदाजी आप कह लें या ड्रॉज, और वो शुरू हो गई हैं। और अभी जो सबसे ताज़ा तरीन जो स्कोर था वो 490 या 490 था, जो कि अभी भी काफ़ी हाई है, काफ़ी ऊंचा है। और मेरे खुद कई क्लाइंट्स हैं जो 470 475 के फेंस पे बैठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा और लो जाएगा ये, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि थोड़ा लो जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम जाहिर है मैं कंसल्टेशंस करती हूँ जो लोग हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग जो मिडिल ईस्ट में हैं, पाकिस्तान में हैं, वो मुझसे रब्ता करते हैं। तो उनके लिए मैं एक राय यही दूंगी कि अगर आपका स्कोर
450 है या 460 है या इससे भी नीचे है, तो आपके लिए बेहतरीन जो एक चीज़ कारीगर हो सकती है वो यह है कि आप अपना अंग्रेजी का स्कोर बेहतर करें। अगर आपका अंग्रेजी का स्कोर 6-6 था या 6-7 था या 7 या 8 था, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जाहिर है उम्र तो घटी जाती है हर के साथ, आपके पॉइंट कम होते जाते हैं, अगर हर सालगिरह के साथ आपके पॉइंट्स जाहिर है कम होते जाएंगे, लेकिन जो अंग्रेजी है उसकी वजह से आपका स्कोर बेहतर हो सकता है। या आप मजीद, अगर आपने आपकी सिर्फ बीए की डिग्री है तो आप कोशिश करें कि मास्टर्स कर लें। एक और तरीका है जिससे आपकी स्कोर आपका स्कोर ऊपर जा सकता है, वो है अगर आप फ्रांसीसी या फ्रेंच सीखना शुरू कर दें, इससे भी आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम तजावीज़ हैं, और उम्मीद तो मैं ये करती हूँ कि आइंदा जो कुरानदाजी होगी या ड्रॉ होगी उसमें नीचे जाए स्कोर, और जो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं निकलने के लिए और जो इस काबिल भी हैं, में अहलियत भी है, तो वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करके और इनविटेशन रिसीव करके अपना कनाडा की तरफ उनका सफ़र शुरू हो। तो ये मेरी दो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली आपसे। तीसरी बात स्पाउजल स्पॉन्सरशिप के हवाले से मैं आपसे करना चाहूँगी। देखिए, पहले जो इससे पहले भी मैं ये बात कह चुकी हूँ कि पेपर एप्लीकेशन में और ऑनलाइन एप्लीकेशन में काफ़ी फ़र्क आ गया है, और एक अच्छी बात तो यह है कि जो भी आपका, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो आरसीआईसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, चाहे कोई पैरालीगल आपका काम कर रहा है, सबसे अहम बात यह है कि आप देख सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फॉर्म्स हैं, वो सही से उनको फिल आउट किया गया है कि नहीं। तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं अपना स्पाउजल स्पॉन्सरशिप के केसेस करती हूँ, तो मैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मोस्टली कोई मिडिल ईस्ट में है, कोई ओवरसीज़ है, कोई पाकिस्तान में है, कोई इंडिया में है, दुनिया में हर जगह से मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनको जूम पे लेके उनके सामने ही जो पीआर का पोर्टल है उसमें जाके उनके तमाम जो फॉर्म्स भरने हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, हर चीज़ उनके सामने हो रही होती है। तो अगर किसी चीज़ में उनको लगे कि कोई कोई गलती है या कोई टाइपो है, तो वो उसी वक्त बता सकते हैं और बग़ैर किसी गलती के हम उनका केस सबमिट कर सकते हैं। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जो पेपर एप्लीकेशन होती थी उसमें आपने IMM 5476 जो है उसको साइन कर दिया, तो आपका फिर जो कंसल्टेंट होता था या लॉयर होता था, वो आपका जो भी जैसी तैसी आपकी एप्लीकेशन भर के भेजे, वो आप बाद में उसे कॉपी ले सकते थे, लेकिन उस वक्त आप सामने नहीं होते थे जब आपकी फाइल जा रही होती थी अक्सर केसेस में। लेकिन अब इस पे जो पोर्टल वाली जो सहूलियत है उसमें यह है कि एटलीस्ट आप खुद जाकर, क्योंकि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, ईमेल आपको, पासवर्ड वगैरह आपको बनाना होता है, तो आपके पास फुल एक्सेस होती है, मुकम्मल तौर पर रसाई होती है कि आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन जो है वो आप देख सकें। तो आप पोर्टल के अंदर जा सकते हैं, वन बाय वन आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। बस एक चीज़ यह है कि आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं शामिल नहीं कर सकते, वो आप जाहिर है अपने लॉयर को या कंसल्टेंट को या पैरालीगल को ही बताएंगे कि भाई देखें फलाने फॉर्म में ये आपने गलत लिखा है, इसको आप सही कर लें, या ओ फलाना डॉक्यूमेंट मेरा जो है वो आउटडेटेड है, अब मेरी जॉब नई हो गई है तो मैं ये इसमें शामिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक सही है। इसके बाद जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जब तक कि आप फाइल को अच्छी तरह ना देख लें और कंसेंट साइन ना कर लें, कंसेंट में भी दो टिक मार्क करने होते हैं और आपको जो एप्लीकेंट है उसको अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद ही आपकी फाइल जो है या एप्लीकेशन जो है वो सबमिट का बटन रेडी होता है, ताकि आपका रिप्रेजेंटेटिव वो बटन दबाकर आपकी फाइल को फाइनली सबमिट करे या इमिग्रेशन के हवाले करे। तो ये इकदामात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इससे काफ़ी प्रोटेक्शन मिल रही है जो पब्लिक है, ताकि जब तक कि वो उसको ओके नहीं करेंगे, कंसेंट साइन नहीं करेंगे, हर चीज़ को देखभाल करने के बाद आपका रिप्रेजेंटेटिव फाइल सबमिट नहीं कर सकता।
एक और बात ये कहना चाहूंगी, जैसे ही फाइल सबमिट होती है तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको फौरन ही फौरन यूसीआई नंबर या एफ नंबर या फाइल नंबर एप्लीकेशन नंबर आपको फौरन के फौरन कोई इश्यू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये फाइल आप जब सबमिट हो गई तो फिर तो ना मैं टच कर सकती हूँ, ना आप टच कर सकते हैं, ना आपका रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी टच नहीं कर सकता। हत्ता के आजकल जो टाइम चल रहा है तकरीबन 6 से 8 वीक में एक्नॉलेजमेंट या AOR आ जाता है, उसके बाद जब आपके पास फाइल नंबर होता है फिर आप अपने ट्रैकिंग डिवाइस से फाइल को ट्रैक कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कॉल सेंटर में भी कॉल करके कि मेरी फाइल का स्टेटस क्या है, और ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो ये मालूमात मैं आपको देना चाह रही थी क्योंकि इस तरह के सवालात मेरे पास काफ़ी आते हैं, और बजाय इसके कि मैं फर्दन सबको जवाब दूं, मैंने बेहतर जाना कि मैं इस प्रोग्राम के हवाले से आपको ये मालूमात फराहम करूं। चौथी बात जो है, आपको पता है हमारे ऑफिस में उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू का तर्जुमा होता है। सर्टिफाइड तर्जुमा जो है हमारा वो उर्दू से इंग्लिश में है। मैं सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हूँ, कोर्ट इंटरप्रेटर हूँ, पैरालीगल भी हूँ, लेकिन बात यह है कि हमारा जो ट्रांसलेशन का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सेपरेट है, उसको जमाल साहब देखभाल उसकी करते हैं। तो उनसे आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, 416-817-1656, ये हमारे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर है। तो अगर आपके पास इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी उर्दू में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके इमिग्रेशन के लिए है या पासपोर्ट के लिए है या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए है, जिसके लिए भी है, वो हमारे तमाम सर्टिफाइड ट्रांसलेशन एक्सेप्टेड हैं तमाम एजेंसी में, इमिग्रेशन में, पासपोर्ट ऑफिस में, हर जगह स्कूल कॉलेजेस में, और आपको उसको नोटराइज कराना ज़रूरी नहीं है जो हमारा सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होता है। तो इन सब के हवाले से आप डेफिनेटली ट्रांसलेशन के हवाले से जमाल साहब को कॉल कर सकते हैं, 416-817-1656 उनका नंबर है। और अगर आप चाहते हैं कि इमिग्रेशन के हवाले से रब्ता करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है canimsolutions.ca, canimmsolutions.ca, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@canimsolutions.ca, उसके ज़रिए भी आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे ऑफिस में क्योंकि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है CICC, उसके लिहाज से एक इनिशियल कंसल्टेशन साइन करना होता है जो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, और हम हाफ एन आवर की भी कंसल्टेशन करते हैं और 1 आवर की भी, और वो पेड कंसल्टेशन है। तो अगर आप चाहते हैं अपॉइंटमेंट बुक करना तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा, info@canimsolutions.ca। फ़ोन पर हम मालूमात नहीं देते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको उनकी पाबंदी करते हुए। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ताला अगले दफ़ा फिर मुलाकात होगी आपसे साजो आवाज़ के हवाले से। तो अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।